बिहार बीजेपी के इतिहास में 17वीं विधानसभा चुनाव कई मायनों में याद किया जाएगा। एक ओर जहां पार्टी के कई स्टार प्रचारक कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए, तो वहीं बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य के तौर पर मशहूर अमित शाह चुनाव प्रचार के लिए बिहार नहीं आए। लेकिन बिहार में चुनाव प्रचार थमने से महज कुछ दिन पहले अमित शाह जिस तरह अपने 2 दिवसीय दौरे पर बंगाल पहुंचे, उससे ये सवाल पूछ रहे हैं कि बिहार से मुंह मोड़कर पश्चिम बंगाल क्यों चले गए अमित शाह। आखिर बिहार चुनाव प्रचार से बीजेपी के चाणक्य ने क्यों किया किनारा, ये सवाल उठना भी लाजमी है, क्योंकि देश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से अब तक शायद ही कोई चुनाव ऐसा हुआ हो जिसमें अमित शाह का चुनावी भाषण नहीं हुआ हो। इससे पूर्व के 3 चुनावों में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनाने से लेकर साल 2015 के विधानसभा चुनाव में शाह अति सक्रिय रहे थे। बात चाहे 2019 के लोकसभा चुनाव की हो, या 2015 बिहार विधानसभा चुनाव की, या फिर 2014 लोकसभा के चुनाव प्रचार की, सभी चुनावों में शाह की भूमिका काफी अहम रही थी। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक भी चुनावी रैली नहीं की। 3 चरणों में संपन्न हुए बिहार चुनाव प्रचार के लिए पार्टी ने स्टार प्रचारकों की 3 अलग अलग लिस्ट जारी की। तीनों ही लिस्ट में ऊपर से 4वें नंबर के स्टार प्रचारक अमित शाह को बनाया, फिर भी शाह बिहार नहीं आए। राजनीति के जानकार इसे संकेत के तौर पर भी देख रहे हैं, मगर कुछ तो हैं जो मन में खटक रहा है। बहरहाल अमित शाह ने एक न्यूज चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में कहा कि डॉक्टर्स की सलाह और अपने स्वास्थ्य के चलते 5 तारीख से प्रचार के लिए निकल सकता था, इसीलिए पश्चिम बंगाल आया हूँ। हालांकि शाह बिहार भी जा सकते थे, मगर नहीं गए। अब अमित शाह ने बिहार चुनाव प्रचार से क्यों किनारा किया, इसका सही जवाब तो वो ही देंगे। लेकिन अगर पार्टी के चाणक्य ही इस तरह चुनाव प्रचार से गायब हो जाएंगे, तो लोगों के मन में सवाल तो उठेंगे ही। ब्यूरो रिपोर्ट।